अभी हम आए इस पार्क को क्या बोलते हैं, जरो का बाग। जरो का बाग यहाँ पे अच्छा है ना, अच्छा। यहाँ पे मजा है और यहाँ पे आप फैमिली के साथ हम चाय पियेंगे, क्राउड में कभी मत जाया करो। यार भाई तैयार हो रहे हैं, तो ये देखो फैमिली के साथ आज हमें पिकनिक जा रहे हैं, तो इसका लुक देखिए आप। लुक क्या लुक है। तो जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अचानक से प्लान बन गया, अभी दिन के 3 बज गए और ये देखिए कहाँ जाना है। तो जी आज मैंने तीसरी ईद पे कपड़े पहने, कैसे हुए कमेंट्स में जरूर बताना, फिलहाल जल्दी से निकलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया। चलो 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 जी, देखिए आप इसका लुक, बकवास हुआ नहीं आप बहुत अच्छे हो आपका लुक अच्छा है। हाँ चाय जल्दी हो, भरो चाय जी, चाय पैक हो रही है, ये वहीं पे पियेंगे, लेकिन मुझे पता भी नहीं है। ओ आज तो ड्राइवर साहब बहुत मस्त लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आशु भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिलहाल से मैं तरफ से सारी ईद मुबारक, ईद असल पर मनामत बिल्कुल, तो मैं पूरी यकीन ये ईद आई सारे खुद अमन गाड़ी में लेडीज आएंगे और मेरी गाड़ी में जेंट्स। चलिए भाई साहब, मैं तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा हूँ, कमेंट बताना इस गाड़ी में जेंट्स जाएंगे, फैमिली पिकनिक अचानक से प्लान हो गया दिन के 4 बजे। तो जी लेडीज वाली गाड़ी निकल गई, अभी जेंट्स। ओ इश्फाक साहब ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर भाई क्यों कह चु जी, निकल पड़े हैं हम। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इसको गाड़ी मजा चोर शेच हम चाहे आपको मुजरा। तो जी निकलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बोलो, डिसाइड करेंगे आगे आगे वाली गाड़ी डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाएंगे। भाई फाइनली हम मानसबल पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, गाड़ी हमें 1 किलोमीटर दूर पार्क लगानी पड़ी। ओ भाई साहब, लास्ट टाइम शौकत भाई के साथ यहाँ पे आया था, मूड ही खराब हो गया था, यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन आज देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई भीड़ देखिए भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज्यादा है। कितनी भीड़ है ब्रो, मम्मा भाभी आप दादी वहाँ पे वेट कर रहे हैं और सीरत। चलो ब्रो चलो, द बेस्ट। तो जी इसको झूले पे जाना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे फैंस है, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। चप्पल गैंग, ओरिजिनल चप्पल गैंग, भाई से पस पूछ खुद सुस बेबी तू क्या छू वना ईद मुता देख तो सुका स्ट्रीम यूज द कर ईद मुता मारना, फिलिक तो ये डर रहा है, फिलिक मारो। ये एजाज भाई का बेटा है, प्रिंस भाई का दोस्त उसी का बेटा है। ओ ठग गए, उठो उठो, अभी असली भाई अंदर गया, फिलिक मार। ओ सीधे हो, फ्रंट 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 फिलिक। ओ टेंट या उन्हें बोल तो बैक फिलिप, गड़ बना मोशन, कम ऑन यस। भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, एक्चुअली फैमिली भी साथ है, तो बहुत सारे भाई आ रहे हैं सेल्फी उठाने। तो जी दोस्तों फाइनली यहाँ से हम निकल रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ आकर हम लोगों ने गलती कर ली, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे फोटोज उठाने, कुछ लोगों के साथ उठाए भी, लेकिन कुछ लोगों के साथ नहीं उठा पाए, वो बुरा नहीं मानना कि ऐसा कुछ है एटीट्यूड है, फैमिली साथ होती है तो दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से मतलब डिस्टर्बेंस होती है, और कभी भी फैमिली के साथ ऐसी वाली जगह पे मत आओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, शांति में जाओ, क्यों भाई।
ठीक है, ज्यादा हेक्टिक था यहाँ पे, बहुत ज्यादा, मतलब मैं अंदर गया और बाहर आया, एक मिनट भी ब्लॉग नहीं कर पाया मैं। आप खुद पीछे से हॉर्न देखो, भीड़ कितनी ज्यादा है, आगे घर वाले भी जा रहे हैं। अभी हम किसी पार्क में देखेंगे, अगर वहाँ पे होगा मौका तो। मामा ने चाय भी साथ लाई थी, वो भी नहीं पी, इवन कि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं पार्क में, इतनी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ से लगता है आज से ईद स्टार्ट होगी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी, और ऊपर से बहुत सारे लोग आते हैं, फोटोज उठाते हैं, तो मैंने उठाई भी बहुत सारों के साथ, लेकिन कुछ लोगों के साथ नहीं उठा पाया क्योंकि भीड़ ज्यादा, यहाँ से फैमिली भी होती है तो दैट्स वाई डिस्टर्बेंस होती है। तो इसीलिए अभी हम कौन सी पार्क है, यहाँ पे कोई पार्क है आगे, वहीं जाएंगे। अगर वहाँ पे भीड़ होगी तो नहीं जाएंगे, अगर नहीं तो फिर चाय उधर ही पियेंगे। चलो भाई, ओके ओके, उठाइए उठाओ उठाओ, मैं आ गया तो। थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। तो जी भाई, ये स्कूटी पे फॉलो कर रहे थे तीन लड़के, अभी गाड़ी रोकनी पड़ी और फोटोज उठाने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम आए इस पार्क को क्या बोलते हैं, जरो का बाग। यहाँ पे अच्छा है ना, यहाँ पे मजा है, और यहाँ पे अब फैमिली के साथ हम चाय पियेंगे। यहाँ पे ठीक है, वो ठीक है, यहाँ पे ठीक है भाई, एजाज भाई ये चम्मच चाहिए। इश्फाक साहब चाय हत्या गए पागल, गए ना इश्फाक साहब, ताकि उसने मजे। तो जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे ठीक ठाक मज़ा है, और अभी यहाँ फैमिली के साथ चाय पियेंगे। देखिए बिल्कुल फैमिली के लिए पार्क अच्छी है। तो क्या मज़ा होता है, तय कित मज़ा हो, मज़ा ज़ा असल, मगर मानसबल होता है मज़ा क्या, तेज़ भीड़ वाली शोर शराब आता है, तो मज़ा भीड़ा क्राउड में कभी मत जाया करो, यहाँ पे मजा आया इस पार्क में, बिल्कुल। और जब फैमिली के साथ होते हैं तो क्राउड में मत जाया करो, दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं फोटोज उठाने के लिए, खास कर फैन फॉलोइंग। मैं तुल एक फोटो अतान गंद गया। अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छे से पहुंच गए, और ये फैमिली पिकनिक अचानक से मतलब प्लान हुआ, और मैंने व्लॉग भी अचानक से ही बना दिया। आज मैंने सोचा था रेस्ट करूंगा, लेकिन रेस्ट कहाँ मिला। और उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो लेट हो गया, इस व्लॉग को मुझे एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है। बाकी जिन भाई के साथ फोटोज़ नहीं उठा पाए उनको सॉरी, और फैमिली साथ ही होप कि आप अंडरस्टैंड करोगे। बाकी इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे, कब मतलब पक्का आप करेंगे, मतलब मीटअप करेंगे इंशाल्लाह। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।